नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल भारद्वाज श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल एंड श्री वेदांता मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बरेली से। आज मैं आपके सामने कुछ डेंगू के बारे में विषय रखना चाहूंगा। डेंगू इस समय जब बरसात के सीजन में या बरसात के बाद एकदम महामारी के रूप में पिछले कई सालों से हमारे सामने है। डेंगू को अगर हम जाने अच्छी तरीके से तो हमारी कहीं ना कहीं स्वयं की भी लापरवाही है। जैसे डेंगू का मच्छर हमें पता होना चाहिए कि दिन में अधिकतर काटता है सवेरे टाइम या दस शाम के टाइम, और इसका मच्छर ज्यादा हाइट ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, 4-5 फीट तक उड़ता है और दिन में अधिकतर काटता है। रात में या जहां रोशनी है वहां रात में भी काट सकता है। तो कोशिश करें कि दिन के समय अगर कहीं आपका सिटिंग बर्थ है जहां पर आपको बैठना हो अधिकतर या लेटना हो लो हाइट पे, तो आप वहां पर ध्यान रखें अंधेरा ना हो और वहां पर सीलन कम हो, फुल कपड़े पहन के रहें, इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। आपके घर में कहीं कूलर में पानी इकट्ठा रह जाता है गर्मी में जब यूज करते हैं उसके बाद, या फ्रिज के पीछे की डक है या ऊपर टंकियों में आपने देखा होगा कि टंकी कहीं कहीं कुछ दिनों बाद टूट जाते हैं उसके ढक्कन लीड, वहां पर छोड़ देते हैं या टूटे हुए में वहां मच्छर अंदर जाने लगा, वहां पानी इकट्ठा हो सकता है बाल्टी में घड़े में, बरसात में कहीं जो पानी इकट्ठा हो रहा है क्या इस तरह कहीं इकट्ठा हो जाएगा तो वो दिक्कत कर सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें, जागरूक रहें। मलेरिया देखा हुआ इस समय कम आ रहा है क्योंकि मलेरिया के प्रति हम काफी जागरूक हो चुके हैं, नेट का यूज करते हैं रात में मच्छरदानी का और रेपेलेंट यूज करते हैं, मास्क क्वाइल्स वगैरह सब कुछ यूज करते हैं। तो ये चूंकि बहुत से लोग, मैंने भी कई सारे मरीजों के मैंने अपने अस्पताल में भी देखा है, बात करता हूं तो सही होने के बाद में नहीं पता होता कि वो ये बीमार क्यों, तो ये पहले चीज आने सावधानी रखें। अब मैं बात करता हूं डेंगू। डेंगू एक वायरस डिजीज है। डेंगू में कभी कभी हमारे अगर रनिंग नोज हो रही है और खांसी जुकाम हो रहा है तो समझिए कि डेंगू नहीं हो सकता, चांसेस कम है क्योंकि सिंपल वायरस हो सकता है जो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। और डेंगू चूंकि वायरस के लिए 4 तरह के सीरोटाइप होते हैं, सीरोटाइप 2 बहुत ज्यादा प्रचलित है हमारे इंडिया में, जिधर सीरोटाइप 3-4 के भी मिले हुए हैं पेशेंट काफी। तो डेंगू एक बार जिस सीरोटाइप से हो गया दोबारा वो नहीं होता है, और इस तरीके से 4 सीरोटाइप है तो एक बिस्सा को 4 बार डेंगू जीवन भर में हो सकता है। ये तो जानकारी ये हो गई। और डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? डेंगू के लक्षण अगर हमारे आंख मतलब बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तेज बुखार आ रहा है जिसको मतलब 104 डिग्री 103 डिग्री तक पहुंच जाता है, फिर हड्डियों में तेज दर्द होता है, आंख का जो हिस्सा है के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन भी बहुत तेज होता है, जीभ मिचलाना, उल्टियां आना और मांसपेशियों में दर्द होना, थकान होना और मतलब कुछ महसूस खाने पीने की इच्छा ना होना, इन सब बहुत सारी चीजें इस तरह की मिलती हैं, तो सतर्क रहिए। और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जब दिक्कतें आती हैं और आपको मेडिकल चिकित्सा तुरंत उपलब्ध नहीं है या दूर दराज के एरिया जो रहते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि स्वयं मेडिकेशन शुरू कर देते हैं या आपने ऐसी चीज देनी शुरू कर दी जैसे पेन किलर, एनिसाइड्स या कॉम्बिफ्लेम वगैरह, तो नुकसान करेगा। तो उसके लिए आपको सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप पैरासिटामोल ही रखें। पैरासिटामोल बहुत सुरक्षित है, सेफ ड्रग है। एस्प्रिन वगैरह, स्टेरॉइड वगैरह जो अगर आपको कोई देता है तो उससे थोड़ा सचेत रहें, स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और अगर डेंगू हो रहा है, उल्टियां नहीं हो रही हैं आपको, जी नहीं मिचला रहा, तो आप मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा, खूब पानी पिए क्योंकि डिहाइड्रेशन होता है। इसकी 3 फेज होती है, एक फेब्राइल फेज होती है जिसमें टेम्परेचर आता है वो शुरू के 4-5 दिन ऐसा रहता है। बस गलती कहां होती है, फेब्राइल फेज के बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमारा बुखार जब कम होना शुरू हो गया तो हम रिकवरी की तरफ जा रहे हैं, तो जो फेज अभी जो आती है वो क्रिटिकल फेज होती है। उसमें हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर हो गया, आंतें हो गई, हार्ट हो गया, ये सब ब्लड की जो चीज होती है वो सब खराब होना शुरू होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। हम अगर पानी की मात्रा प्रॉपर तरीके से नहीं लेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, और फिर हमारा जो आगे की स्टेज है डेंगू की, जैसे डेंगू शॉक सिंड्रोम, फिर अगर ब्लीडिंग प्रोफाइल रेंज हुआ क्योंकि लीवर जब इन्वॉल्व होता है तो कोगुलेशन की दिक्कतें आने लगती है, तो फिर हमारा डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम इनमें पहुंच जाता है। तो पेशेंट फिर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, आईसीयू पहुंचता है, बचने की संभावना फिर कम हो जाती है। तो कोशिश रही, डराने की जरूरत नहीं है, ना डराने की कोशिश की जा रही है। 90% अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो 90-95-92% मरीज मतलब आते ही नहीं है, घर पे ही सुता या आसपास जो डॉक्टर आपके उनके माध्यम से सही दवा लेके ठीक हो सकते हैं। अब जो 8-10% जो मरीज होते हैं वही क्रिटिकल होते हैं, तो सही समय पर सही जगह पहुंचना बहुत जरूरी, चूंकि डिहाइड्रेशन होता है, जब फीवर आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी की मात्रा बॉडी के अंदर कम होगी, तो आप पानी की मात्रा बढ़ा लें, पानी को पिए, कोकोनट वाटर है या जो राइस वाटर है या ORS से सुरक्षित है वो उसको लें, इन चीजों का सेवन करें। अगर आपको उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है और जी मचला रहा है तो पच नहीं लीजिए तो तुरंत एडमिट हो, फिर लापरवाही ना करें क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत डाउन होगा, दिक्कत शुरू हो जाएगी।
और पेशेंट फिर मुझे देखा हुआ है कि आईसीयू में जब पेशेंट पहुंचता है तो सीवियर निमोनिया, इसमें कॉम्प्लिकेशन जिसमें डेंगू के शुरू में नहीं मिल रहे थे, इसमें सीएनएस के सिस्टम से इनका भी मिल रहा है कई मरीजों में, इसमें हेमरेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, कुछ में स्टिंगे भी मिला हुआ है। तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि डेंगू हम देखें अगर हम स्वयं कहीं ना कहीं गलती करते हैं जिसके कारण से बार बार इस महामारी के रूप में हम बार बार इसको झेलते हैं। जिसको होता है वो ही जानता है कि परिवार के साथ क्या बीतती है, बहुत से मरीज बचते हैं, बहुत से मरीज हम डॉक्टर्स नहीं बचा पाते। तो सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और अगर कोई आपको धारण दवा रखनी है जो सेफ है डेंगू में, वो है पैरासिटामोल, वेट के हिसाब से, डॉक्टर की सलाह पे फोन पे बात करें, हर के मित्र होते हैं, 500 मिलीग्राम की 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल आपके पास उपलब्ध है, स्वयं मेडिकेशन ना करें। दूसरी बात, डेंगू चूंकि वायरस की बीमारी, इसमें इम्यूनिटी भी होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं, वायरल के कारण भी निमोनिया होता है, फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी निमोनिया जाता है, पेशेंट फिर एंड अप कर जाता है, तो फिर एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन वायरस अगर है जब तक डेंगू हो तो उसका एंटीबायोटिक स्वयं उसमें शुरुआत की स्थिति में लेने की जरूरत नहीं है। ये एक 2 से 10 दिन का पीरियड होता है डायग्नोसिस के लिए। इसमें आप डेंगू एंटीजन टेस्ट, एनएस एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, डेंगू का एलाइजा टेस्ट भी होता है, पीसीआर टेस्ट भी होता है। तो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर पर भरोसा रखें। अगर आप डॉक्टर पर भरोसा नहीं करेंगे और डॉक्टर की सोच के हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ेंगे आगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरी यही नहीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सुरक्षित रहें। और मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उन चीजों को जो मैंने अभी बताई है शुरुआत में वीडियो में, कि आप उन चीजों पर विशेष ध्यान दें कि डेंगू होता क्यों है, उसकी रोकथाम कैसे है। अगर हम इस पर ज्यादा ध्यान देंगे तो जो हर बार इस महामारी को, मैंने भी देख रहा हूं कि जब से कोरोना गया है उसके बाद से 2021 में म्यूटेशन के कारण जो डेंगू प्रकोप लेके आया था, अब उससे थोड़ा मोर्टिलिटी कम हुई है, लेकिन फिर भी इससे भी ठीक ठाक मरीज सीख होकर आ रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।